बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MNH के प्लेटफॉर्म से कामरान अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो का मकसद आपको चकरी रोड और अडियाला रोड और मजीद जो सोसाइटीज़ हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स देने का है। स्टार्ट करते हैं चकरी रोड से। चकरी रोड पर हमारे पास जो मेजर सोसाइटीज़ चल रही हैं आजकल, जो सबसे ज़्यादा जिसकी मार्केट में आवाज़ है कह लें या जिसकी सेल परचेज चल रही है, उसमें सबसे बड़ी सोसाइटी आ जाती है कैपिटल स्मार्ट सिटी, जो मेरे ख्याल में चकरी रोड की सबसे बड़ी सोसाइटी शायद फ़िलहाल होगी। बाद में और बन जाए तो अलग बात है, फ़िलहाल जो जो हमारी नॉलेज में है वो स्मार्ट सिटी है। वो चकरी रोड पर अवेलेबल है और उसकी जो रकबा है वो तकरीबन ठलियाँ तक पहुँचने लगा है। उसमें काफ़ी सेल परचेज चलती रही है, पिछले दिनों भी काफ़ी उसका, बल्कि अभी भी उसमें ऑन चल रहा है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है। जिन्होंने इन्वेस्ट किया था प्रॉफिट में रहे हैं और उन्होंने कमाया भी है। और जो क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि जो ग्रुप है वो तगड़ा है, वो अच्छा है, डिलीवर कर रहा है, काम चल रहा है, वहाँ पर लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, हैंड ओवर हो रही हैं, कुछ प्रोसेस में हैं। ऑब्वियसली ड्रॉबैक्स हर सोसाइटीज़ के आते हैं, अप डाउन भी, अप टाइम भी होता है और कहीं फंसते भी हैं, जो कि बुरा टाइम भी आता है किसी सोसाइटी पे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि क्या एंड यूज़र्स ने या इन्वेस्टर्स ने उधर से बेनिफिट उठाया या नहीं उठाया। तो मैंने जितना अभी तक देखा है, मेरे सामने कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने वहाँ से शुरू में इन्वेस्ट किया और बेनिफिट ना उठाया। तो अच्छी सोसाइटी रही है। अच्छा, इसके अलावा जो सोसाइटी है दूसरी, वो ब्लू वर्ल्ड है। ब्लू वर्ल्ड में भी जिन्होंने स्टार्ट में लिया था, क्योंकि उनके रेट्स आपके, अगर आपको आइडिया हो मैं वैसे ही आपको गाइड कर लेता हूँ, कि स्टार्ट में बहुत सस्ते रेट आए थे उसके, जो उस एरिया में चकरी रोड पे सबसे कम रेट्स थे ब्लू वर्ल्ड के। उन्होंने बहुत सारी फाइल्स बेची भी थी उस रेट पर। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 लाख पे उनका 5 मरले का प्लॉट था स्टार्ट में, जो कि 4 से 5 साल हो गए हैं आई थिंक उसको। और अभी भी काफ़ी सारे ब्लॉक्स उन्होंने लॉन्च किए हैं जो अब नए रेट्स आ रहे हैं, वो फिर भी बाकी सोसाइटीज़ के जो इस एरिया में बनती हैं उससे कंपेटेबल काफ़ी अच्छे रेट्स उनके बनते हैं। और डेवलपमेंट उन्होंने काफ़ी अच्छी रखी हुई है, जो कि स्टार्ट में गेट वगैरह आपने देखा होगा वीडियोज़ में भी, डिफरेंट वीडियोज़ में आपको नज़र आता होगा गेट उधर का। लेकिन अगर अंदर भी जाएं आप उस सोसाइटी के अंदर भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रोड्स डेवलप हो रही हैं, काफ़ी उनका प्रोग्रेस चल रही है वहाँ पे। इसके अलावा भी चकरी रोड पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, हर तरह की हैं, जो कि मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, सारी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। जो डिलीवर करेगा वो अच्छा है, हम तो सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कि डिलीवर कौन कर रहा है। अगर एंड यूज़र को या इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हो रहा है वहाँ से, या उनको प्लॉट हैंडओवर हो रहा है, तो ये कामयाबी है सोसाइटी की। और अगर डेवलपमेंट चल रही है और फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि ये डिलीवर कर देंगे, वो भी अच्छी सोसाइटी में काउंट होती है। तो उसके अलावा भी, अगर ब्लू वर्ल्ड और स्मार्ट सिटी के अलावा भी वहाँ पर चकरी रोड पर अच्छी सोसाइटीज़ हैं। अब जैसे नई सोसाइटी दो आई हैं वहाँ पर चौधरी मजीद साहब की, फैसल टाउन 2 और जो उसका जो फेज 2 है, और उसके अलावा जो अब नई एक और जो कल से लॉन्च हुई है मल्टी गार्डन 2 के नाम से। तो ये दो सोसाइटीज़ आई हैं जो कि एक रिनोन्ड ग्रुप की है, बड़ी कंपनी है जिन्होंने पहले डिलीवर किया हुआ है, और फ्यूचर भी नज़र आ रहा है कि जो जहाँ पर ये काम करते हैं डिलीवर करते हैं। तो ये एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बेशक लॉन्ग टर्म है, क्योंकि अभी मार्केट ओवरऑल ही काफ़ी डाउन चल रही है मुल्की हालात की वजह से, लेकिन फ्यूचर में बेहतर होने की उम्मीद है इंशाल्लाह। और अगर कोई सोसाइटी डिलीवर कर रही है जो कि काम करने पे फोकस रखती है या काम करने पे बिलीव रखती है, तो वो उसको नुकसान नहीं होता। ऑब्वियसली अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए सोचे कोई बंदा, कि कोई ऐसे कंपनी है जो शॉर्ट टर्म के लिए सोच के आती है कि बस हमने थोड़े बहुत लेने और निकल जाना है, तो आई थिंक वो उसको नुकसान ही होता है। लॉन्ग टर्म में देखें, बंदों को डिलीवर करें, अपने कस्टमर का ख्याल रखें, उसको जो चीज़ कमिट की है उसके, चले 19-20 ये है कि अगर लेट सपोज 4 साल की कमिटमेंट है, तो 5 साल में भी अगर उसको चीज़ मिल जाती है तो कस्टमर आपसे खुश ही रहता है, वो कोई नाराज़ नहीं होता आपसे। तो बेहतर ये है कि उस सोसाइटी को चूज़ करें जो कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, डिलीवर कर रहा है, या एटलीस्ट उनको डेवलपमेंट काम स्टार्ट हुआ है। अच्छा, बेसिकली इस वीडियो का मकसद जैसे आपको बताया था कि
पिंडली इस्लामाबाद के सराउंडिंग की अच्छी सोसाइटीज़ जो कि आजकल काफ़ी हॉट सेलिंग हैं या हॉट इन डिबेट हैं, उनके बारे में डिस्कशन करनी थी। चक्री से अगर आप अडियाला की तरफ आते हैं, जैसे हमें चक्री की आपको सोसाइटीज़ बताई हैं, और अडियाला की तरफ अगर हम साइट पे आते हैं, वीडियो में मेंशन करने का मकसद ये है कि चक्री पे और अडियाला पे डीएचए के दो फेज़ आ रहे हैं। एक डीएचए फेज़ 9 है जो कि चक्री पे आ रहा है, और फेज़ 8 जो है वो अडियाला की तरफ आना है। और ये फ्यूचर में इसके सारी प्रोसेस वगैरह हो चुके हैं, इसकी जो भी परचेजिंग वगैरह सब हो चुकी है, फ्यूचर इस साइड पर बनना है। अडियाला रोड की तरफ अगर आते हैं तो सबसे पहले जो सोसाइटी, अगर आप चक्री वाली साइड से आ रहे हैं तो रोडिन क्लेव आता है। अगर आप पिंडी कचहरी से आते हैं तो सबसे पहले जो अभी हॉट सेलिंग सोसाइटी है, जो कि एक आबादी के अंदर भी है और एक्सेस भी अच्छा है उसका, और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और NOC अप्रूव्ड है, तो वो एक लेक विस्टा के नाम से है जो सोसाइटी, जिसको हम लोग काफ़ी अर्से से आपको बता भी रहे हैं कि ये अभी अपॉर्चुनिटी है, जो कि बाकी सोसाइटीज़ से रेट भी कम है इसका, NOC अप्रूव भी है, और इसकी एक्सेस भी बहुत अच्छी है। आपको कचहरी चौक से तकरीबन 15 से 20 मिनट में आप अपने घर पहुंच सकते हैं, अपने प्लॉट पर पहुंच सकते हैं, सोसाइटी में पहुंच सकते हैं जो लेक विस्टा के नाम से है। सराउंडिंग में आबादी है, ऑलरेडी पॉपुलेटेड एरिया है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाना पड़े आपको, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक अडियाला रोड है जिसमें लेक विस्टा के नाम से सोसाइटी है, और जिसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्लॉट भी हैं, प्री लॉन्च रेट पर भी मिल सकते हैं अभी भी। और इसके अलावा जो इसके थोड़ा सा आगे जाते हैं तो रूडनिंग क्लेव आ जाती है, वहाँ पे भी काफ़ी सेल परचेज चल रही है, वो भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है उधर भी, और ये सोसाइटी भी अच्छी है और काफ़ी बड़ा एरिया इनके पास है, और ये बढ़ा भी रहे हैं, मज़ीद एक्वायरिंग चल रही है इनके लैंड की। तो ये मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं जो हम आपको जिसके रिव्यूज़ लेकर आना था यहाँ पे। आज का डिस्कशन करने का मकसद ये था कि इन्वेस्टमेंट की तो बहुत सारी ऑप्शन हैं, और बंदा उस चीज़ पे जाता है जो कि आपका अपना माइंडसेट है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के, तो लॉन्ग टर्म के लिए चक्री रोड इस टाइम पे जो हॉट सेलिंग है वो यही है, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो बेस्ट ऑप्शन है आप कह सकते हैं। चक्री रोड की सोसाइटीज़ हैं जैसे फैसल हिल्स हो गए, फैसल टाउन 2 हो गया, मल्टी गार्डन्स हो गया, मल्टी गार्डन्स का फेज़ 2, उसके अलावा ब्लू वर्ल्ड भी अच्छी सोसाइटी है, स्मार्ट सिटी अच्छी सोसाइटी है, ये एक सोसाइटीज़ हैं जो कि डेवलपमेंट की काफ़ी तेज़ी से चल रही है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा अडियाला की तरफ आते हैं तो अडियाला में रूडन आ गया, लेक विस्टा आ गया, ये अच्छी सोसाइटीज़ हैं। तो इनमें से किसी भी सोसाइटी के बारे में आपको कोई भी मालूम चाहिए हो, या इसके अलावा भी किसी के बारे में मालूम चाहिए हो, तो आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जितनी गाइडेंस हो सकी, जो मैक्सिमम गाइडेंस हो सकी, आपको इंशाल्लाह गाइड ज़रूर करेंगे। अच्छा, जो अभी आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट सोसाइटीज़ का जो पिंडली इस्लामाबाद की सराउंडिंग में, आज हमने डिस्कस कर ली है चक्री और अडियाला रोड की जो पिंडी साइड पर सोसाइटीज़ बनती हैं उसको। मज़ीद हम नेक्स्ट इस सीरीज़ में ही कंटिन्यू करेंगे, जो गुजर खान की सोसाइटीज़ हैं जो कि पिंडली डिस्ट्रिक्ट में ही आती हैं, उन सोसाइटीज़ को, जो 2-3 सोसाइटीज़ अच्छी लॉन्च हुई हुई है वहाँ पर, उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भी मज़ीद सोसाइटीज़ हैं, जैसे B17 वाली साइड पर आके, या टेक्सला पिंडी व इसके अराउंड, इवन अटक तक की सोसाइटीज़ जो हम आपको लेकर आएंगे, जिनके बारे में आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, जो कि पिछली वीडियोस में हम उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको दे चुके हैं, मज़ीद डिटेल में रिव्यूज़ हर सोसाइटी को सेपरेट करेंगे। तो ये कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी सोसाइटी का रिव्यू चाहिए, जिसके बारे में आपको मालूमात चाहिए, तो हम लाजमी उस पर डिटेल वीडियो बना के, लोकेशन पर जाके, और प्रॉपर आपको डेवलपमेंट की अपडेट्स देंगे, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो सवाल हैं आपके, इंशाल्लाह वो सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।